हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन साइकल्स। लेकिन उससे पहले एक बार सेकेंडरी ग्रोथ जो है स्टेम में और लीफ का जो रैकिस है, ये दो छोटे से पॉइंट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले बात आती है स्टेम की। स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी? कैम्बियम से। और कैम्बियम यहाँ पर दो तरह का होगा। अगर ध्यान हो तो जो यंग स्टेम थी उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो थे उनके साथ कैम्बियम था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है, वेस्कुलर बंडल हैं, फ्लोएम है, जाइलम है, उनके बीच में एक कैम्बियम है, ब्लू कलर की मेडुलरी रेज हैं। तो वो पोर्शन उस रीजन का क्या होगा जहाँ पर वेस्कुलर बंडल नहीं है, जहाँ पर सिर्फ मेडुलरी रेज हैं या फिर पैरेन्काइमा के सेल्स हैं? तो दो तरह के कैम्बियम होते हैं। वेस्कुलर बंडल के साथ जो कैम्बियम होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो एक टाइप का और कैम्बियम है, वो डेवलप होता है और वो होता है इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर मतलब दो डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम बनेगा वो इंटरफेसिकुलर, ठीक है, वो बनेगा जो पैरेन्काइमेटस मेडुलरी रे सेल्स होंगे उनसे डेवलप होता है वो। अब इंटर बीच में तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया वेस्कुलर बंडल्स के साथ, पहले से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे। जैसे देख सकते हो सेकंड पिक्चर में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और मेडुलरी रेज के पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, तो ये ज्वाइन कर गए और इन्होंने क्या करेंगे, ये एक कंटिन्यूस रिंग बनाएंगे जिससे इक्वली जो प्रोपोर्शनली जो है सेकेंडरी सेल्स जो हैं ऐड होते जाएंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, इट कंबाइंस और जॉइन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम। आफ्टर दिस सेकेंडरी ग्रोथ हैपेंस। यहाँ पर देख सकते हो सबसे बाहर है क्रश्ड प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से था, वो थोड़ा क्रश हो जाएगा, नया टिश्यू ऐड हो रहा है इसलिए जो पुराना टिश्यू है वो थोड़ा क्रश हो जाएगा, दब जाएगा। सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है बाहर की तरफ लाइट पिंक कलर में देख सकते हो, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। डार्क कलर की जो सेल्स हैं जाइलम में वो जाइलम ट्रैकीड्स हैं और जो लाइट कलर के सेल्स हैं वो जाइलम पैरेन्काइमा हैं। अब यहाँ जाइलम ट्रैकीड्स के बीच में बहुत सारे जाइलम पैरेन्काइमा बने हुए हैं, इस वजह से जो वुड है वो मेनोजाइलिक कहलाएगी। और बीच में इन दोनों के फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में देख सकते हो एक कंटिन्यूस रिंग बन गई है कैम्बियम की, जो सेकेंडरी ग्रोथ कर रही है, सेकेंडरी टिश्यू ऐड कर रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जैसे पहले बताया था, ये जो कैम्बियम रिंग है ये अपनी एक्टिविटी लूज कर देगी और डिवाइड करना स्टॉप कर देगी। इसके बाद दोबारा एक और कैम्बियम डेवलप होगा और वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। कुछ टाइम बाद वो भी अपनी एक्टिविटी बंद कर देगा और फिर नया कैम्बियम डेवलप होगा। तो इस तरह से बहुत सारे कैम्बियम की रिंग्स बनती जाएंगी, इसलिए ये पॉलीजाइलिक वुड भी कहलाएगी, ठीक है, यानी बहुत सारे कैम्बियम से वुड बन रही है तो पॉलीजाइलिक वुड हो जाएगी। अब एक बार ये देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स की क्या अरेंजमेंट है साइकस में। रूट्स में वेस्कुलर बंडल रेडियल होता है, मतलब अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होता है, जाइलम अलग रेडियस पर है, फ्लोएम अलग रेडियस पर है। क्लोज्ड होता है, मतलब स्टार्टिंग में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, बाद में डेवलप होता है। एग्जार्क होता है, एग्जार्क का मतलब जो प्राइमरी जाइलम है, प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले बनता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो नया बाद में जाइलम बनता है, मेटाजाइलम, बड़े सेल्स होते हैं, वो सेंटर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, पोजीशन होगा, तो वो एग्जैक्ट कंडीशन। स्टेम में कैसे होगा? कॉन्जॉइंट है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पर हैं, अलग अलग नहीं है। कोलेटरल हैं, मतलब साथ साथ हैं, एक दूसरे के बगल में कह सकते हैं, एक दूसरे के एक लिटरली प्रेजेंट हैं। ओपन है, मतलब बीच में दोनों के कैम्बियम प्रेजेंट है। एंड डार्क है, एंड डार्क मतलब प्रोटोजाइलम
सेंटर की तरफ है जो सबसे पहले बनता है जाइलम, मेटाजाइलम जो थोड़ा देर बाद बनता है, कुछ टाइम बाद बनता है, लेट बनता है, वो बाहर की तरफ है। तो प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क। ऐसे ही लीव्स है, लीव्स में वैसे तो कोलेट्रल्स ही कहा जाता है, ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, कॉन्जॉइन कह सकते हैं क्योंकि एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एक दूसरे के लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ओपन होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है एंड डिप्लोजाइलिक कंडीशन होती है। डिप्लोजाइलिक का मतलब क्या होगा? डिप्लो मतलब टू टाइप का, तो दो तरह का जाइलम प्रेजेंट होता है लीव्स में, सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अगर एक बार डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, जैसे जो सेक्शन डीएस दिखाया था तुमको, उसमें ऊपर की तरफ जो था सेंट्रीपिटल जाइलम था और नीचे की तरफ दो पैच थे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। अब उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। एक लीफ है साइकस का, सेंटर में देखोगे जिस पर रैकिस है और बहुत सारे लीफलेट्स बने हुए हैं उसी में, ठीक है। मिडरिब, एक लीफलेट का भी सेक्शन देख सकते हो यहाँ पर साइड में, राइट हैंड साइड को मिडरिब है एक लीफलेट के अंदर, उसका भी जब हम सेक्शन कर रहे हैं तो उसमें विंग्स दिख रहे हैं कर्व, ठीक है। ऊपर अगर देखोगे तो राइट साइड में तो रैकिस का टीएस है, रैकिस जिसके ऊपर लीफलेट्स बनते हैं उसको हमने कट किया तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो इसकी शेप होती है इन्वर्टेड ओमेगा जैसी, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा ओमेगा जो होता है उसके जैसी शेप होती है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वर्टेड ओमेगा जो है वो सीधा है लेकिन एक्चुअल में इसकी शेप इन्वर्टेड के जैसी होती है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं उसी शेप में, ऊपर की तरफ सबसे बाहर क्यूटिकल होगी, ठीक, एपिडर्मिस बनाता है, उसके बाद अंदर उसके हाइपोडर्मिस होगा, ठीक है। बाकी जो पोर्शन है, जो वाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है वो पेरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू जो होता है उससे कवर्ड होगा। हाइपोडर्मिस रैकिस के एग्जैक्ट ऊपर प्रेजेंट होगी और थोड़ा सा नीचे वाले सरफेस को भी कवर करेगी, ठीक है। इससे हाइपोडर्मिस जो होती है स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स की बनेगी और या कोलेन्काइमा के सेल्स की बन सकती है। इनका फंक्शन क्या होता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब लेफ्ट में देखो ऊपर ही रैकिस का, हम रैकिस को हमने लेंथ वाइज कट किया है लेटरल, उसका सेक्शन देखने के लिए, उसमें जाइलम की अरेंजमेंट देखने के लिए। तो कैसे होता है लेटरल सेक्शन देखो रैकिस का। सबसे स्टार्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल जाइलम बड़ा सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, जहाँ से लीफ अटैच्ड होता है, लीफ का बेस जो है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जाइलम सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। सेंट्रीपिटल जाइलम बहुत ही कम अमाउंट में होता है। जैसे जैसे हम टिप की तरफ जाते हैं रैकिस के, सेंट्रीपिटल जाइलम की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम ब्रांच्ड हो जाता है, दो ब्रांचेस में बट जाता है और छोटा होता जाता है, अमाउंट उसकी कम होती जाती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो टीएस ऑफ लीफ जब देखा था लीफलेट तो उसमें सबसे ऊपर तो एक ट्रायंगुलर पैच था सेंट्री पिटल जाइलम का और नीचे दो छोटे पैच थे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के, तो वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल कोन की, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। फीमेल कोन जो है वो डायरेक्टली जो टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पर बनता है, एपिकल पोजीशन पर बनता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स जो हैं ये उसकी एपिकल ग्रोथ जो है उसको ख़त्म नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। फॉलिएज लीफ बनेंगे, ग्रीन लीफ बनेंगे, उसके बाद कैटाफिल्स बनेंगे, वो भी एक टाइप के स्केल लीव्स होते हैं, उसके बाद बनेंगे मेगास्पोरोफिल्स जिस पे जो कि फीमेल कोन बनाते हैं या जिस पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो ये दिख भी रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर के ओव्यूल्स और ब्राउन कलर के मेगास्पोरोफिल्स। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है रिप्रोडक्टिव, फिर से कैटाफिल बनेंगे और फिर से जो है ग्रीन लीव्स बनना शुरू होंगे, जबकि मेल कोन में ऐसा नहीं होता। मेल कोन में टर्मिनल पोजीशन होती है और उसके बाद
वहाँ से एपिकल जो उसकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। आगे की स्टेम जो है वो कैसे बनेगी फिर, जैसे मान लो मेल कोन तो आ गया, अब मेल कोन आने से वो स्टॉप कर देगा, जो एपेक्स उसकी जो स्टेम की ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, मेल कोन के नीचे एक लेटरल बड बनेगा स्टेम में, वो बड जो है कंटिन्यू करेगा स्टेम की ग्रोथ को, और धीरे धीरे जो मेल कोन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, डायगनली टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और स्टेम जो है फिर वो दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो प्लांट है उसमें ये डिफरेंस है। फीमेल कोन में एपिकल ग्रोथ जो होती है स्टेम की वो ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यूस चलती रहती है एपिकल बड से। लेकिन जो मेल प्लांट है उसमें मेल कोन बनने के बाद उसकी एपिकल ग्रोथ बंद हो जाती है, लेटरल बड बनता है स्टेम में, और वो उसकी ग्रोथ फिर आगे कंटिन्यू करता है मेल कोन बनने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मेल कोन का स्ट्रक्चर जो होगा। ये जो है TS ऑफ मेल कोन है साइकस का, इसको अगर ऐसे कट करके देखेंगे तो सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोस्पोरोफिल का, जो पहले तो ये एक बार कोन को देखो, डार्क ब्राउन कलर का जो बीच में मोटा सा स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, उसके चारों तरफ ऐसे ब्रांचेस सी दिख रही हैं, लंबी थोड़ी छोटी, और साइड्स में ऐसे ब्रांचेस निकली हुई जैसे कॉम्ब होता है ना, ब्रश सा होता है, तो वो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स है, वो स्पायरली अरेंज्ड है उस सेंट्रल एक्सिस पर। अब राइट में देखो सबसे ऊपर एक माइक्रोस्पोरोफिल कैसा दिखता है वो दिखाया है साइड से, लेटरल व्यू दिखाया है, वुडी स्ट्रक्चर होगा और इसका टर्मिनल या एंड पॉइंट ये पॉइंटेड होगा और वो कहलाएगा एपोफाइसिस। अपर सरफेस पर कुछ प्रेजेंट नहीं होता, लोअर सरफेस पर स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो सिंगल नहीं होता, ग्रुप में प्रेजेंट होता है, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है। जैसे नीचे देख सकते हो तीन येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ हेयर स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं। तो वो जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और जो वो ग्रुप है माइक्रोस्पोरेंजियम्स का, तीन या चार माइक्रोस्पोरेंजियम्स जो होते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, वो कहलाता है एक सोराई। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स में, और वो ग्रुप विथ हेयर्स सोराई कहलाता है, और जो हेयर्स होते हैं वो सोरल हेयर्स कहलाते हैं। सबसे नीचे अगर देखोगे तो एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका सेक्शन है, ऊपर की वॉल थोड़ी थिक होती है, सबसे ऊपर उसमें माइक्रोस्पोरोफिल का पोर्शन है, रेड कलर का जो बीच में स्ट्रक्चर है वो हेयर है, सोरल हेयर, और उसके नीचे बबल के जैसा या बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसमें येलो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे, वो क्या है, वो एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है, येलो कलर के स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर्स हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर मेल कोन का। अब बात आती है मेल कोन डेवलप कैसे होता है, मेल कोन कैसे डेवलप होगा, एक प्रोट्यूबरेंस निकलेगी, एक सेल थोड़ा सा ग्रो करेगा, ठीक है, और उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स बनेंगे, कोन बनेगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स बनेंगे, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बन रहा है, जो आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस है एंड हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगे, एपिडर्मिस जो है वो एक्सोथीसियम बनाएगी, ठीक है, और उसके नीचे का जो सेल है हाइपोडर्मल सेल जिसको कहते हैं, एपिडर्मिस तो आउटरमोस्ट सेल हो गया, वो बनाएगा कवरिंग या आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वो बाद में कहलाती है एक्सोथीसियम। ठीक है, और अब एपिडर्मिस के नीचे वाला सेल हाइपोडर्मल सेल जिसको कहते हैं वो आर्किस्पोरियल इनिशियल के जैसे बिहेव करेगा। आर्किस्पोरियल इनिशियल जो है क्या करेगा, दो तरह के सेल्स बनाएगा, एक तो प्राइमरी वॉल सेल
दूसरा आर्कीस्पोरियल सेल। प्राइमरी वॉल सेल जो है उसमें वो बाहर की तरफ बनेगा और उसमें दो तरह की डिवीजन होगी, पेरिक्लीनियल एंड एंटीक्लीनियल, यानी नंबर भी इंक्रीज होगा और लेयर्स भी बनेंगी। ठीक है, तो 4 से 7 प्राइमरी वॉल लेयर्स बनेंगी जिसको स्पोरोन्जियल वॉल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, और उनसे सब उसके अंदर बनेगा एंडोथीसियम लेयर। उसमें सबसे जो 4 से 7 लेयर्स बनी हैं उसमें सबसे अंदर वाली लेयर कहलाएगी एंडोथीसियम। ठीक है, तो एपिडर्मिस से एक्सोथीसियम बना, प्राइमरी वॉल लेयर्स से एंडोथीसियम बन रहा है, मिडल लेयर्स बन रही है और एंडोथीसियम बन रहा है। अब बात आती है आर्कीस्पोरियल सेल की, जो दूसरा सेल बना था। आर्कीस्पोरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पोरोजेनस टिश्यू में, एनलार्ज होगा साइज में, एक्यूमुलेट करेगा फूड। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसका इंक्रीज हो जाएगा, डिवीजन होगी और फिर क्या बनाएगा वो, डिवीजन करके बहुत सारी स्पोरोजेनस टिश्यू बनाएगा। अब वो स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो दो तरह के सेल्स बनाएगा, बाहर की तरफ टेप्टम बनाएगा, अंदर की तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगा। ठीक है, टेप्टम जो है वो भी एक वॉल बनेगी। ठीक है, ज्वाइन करेगी किसको, एपिडर्मिस से एक्सोथीसियम, वॉल लेयर्स की मिडल लेयर, अंदर की तरफ एंडोथीसियम और सबसे अंदर टेप्टम। तो ये इस तरह से हमारे पास वॉल्स आ जाएंगी डिफरेंट। और दूसरा जो चीज़ बन रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो फिर माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं इसके अंदर सेल डिवीजन होती है, इसके अंदर का जो सेल है वो डिवाइड करेगा। सबसे पहले वो बनाएगा प्रोथैलस सेल, सबसे ऊपर एक छोटा सा प्रोथैलस सेल बनाएगा और एक बड़ा एंथ्रीडियल सेल बनाएगा। ये है इस, और एंथ्रीडियल सेल अब आगे जाकर एक और डिवीजन करेगा। वो क्या डिवीजन होगी, जनरेटिव सेल बनाएगा एक छोटा और एक बड़ा ट्यूब सेल बनाएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पर माइक्रोस्पोर के अंदर 3 सेल हैं, प्रोथैलस, जनरेटिव एंड ट्यूब सेल। ठीक है, यहाँ साइड में राइट हैंड साइड में इसके पिक्चर भी देख सकते हो, ब्लू कलर की लाइनिंग है, वॉल लेयर है जो एक्साइन मीजाइन इंटाइन जो उसको कवर करेंगी माइक्रोस्पोर को। ठीक है, उसके अंदर सबसे ऊपर एक छोटा प्रोथेलियल सेल है, उससे छोटा एक जनरेटिव सेल है और उससे बड़ा ट्यूब सेल है। इस स्टेज पर माइक्रोस्पोर पोलन कहलाएगा, पोलन कहा जा सकता है उसको। और इस टाइम पर जब प्रोथेलस है, जनरेटिव एंड ट्यूब सेल है, पॉलिनेशन होगी। ठीक है, पॉलिनेशन यूजुअली व्हेन पॉलिनेशन होती है यहाँ पर। अब पॉलिनेशन होने के बाद जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करेगा, पॉलिनेशन मतलब वो ओव्यूल तक पहुँच जाएगा। जब वो ओव्यूल तक पहुँच जाएगा तब वो फिर से डिवीजन अपनी स्टार्ट करेगा। जनरेटिव सेल दो तरह के सेल बनाएगा, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। बॉडी सेल क्या बनाएगा, स्टॉक सेल तो एज इट इज़ रहेगा, बॉडी सेल दोबारा से डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट्स बनाएगा या 2 मेल स्पर्म्स बनाएगा, उनको एंथेरोजॉइड्स भी बोल सकते हैं। राइट हैंड साइड में उसकी पिक्चर भी है। ये मोटाइल होते हैं, जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, उन पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कॉनिकल सा स्ट्रक्चर होता है, ब्लू कलर का देख रहे हो, और उस पर ब्लैक कलर के ऐसे फ्लैजेला, इस तरह का इसका कुछ दिखने में स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ तक तो जो था वो था कि मेल गैमीट, फ्लैजेलेटेड मेल गैमीट कैसे बना, ये चीज़ ध्यान रखना। साइकस में मेल गैमीट मोटाइल होता है, बाकी जो और प्लांट्स और हैं जिम्नोस्पर्म्स के उसमें नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अब बात आती है फीमेल गैमीटोफाइट की या फीमेल गैमीट्स की, वो कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक मेगास्पोरोफिल है वो लीफ जिसके ऊपर ओव्यूल बनता है, ऑरेंज कलर के इस पर ओव्यूल्स तुमको दिख रहे हैं। वैसे एक्चुअल में तो ये सीड्स हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो हेयरी है स्ट्रक्चर,
सीड जो है या ओव्यूल जो है वो भी हेयरी होता है, बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीफ मेगास्पोरोफिल है उसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, ऊपर एंड में देख सकते हो, और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है मेगास्पोरोफिल का, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह की मेगास्पोरोफिल की शेप होती है, ओव्यूल्स के नंबर होते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट में देख राइट में देख सकते हो, अलग अलग मेगास्पोरोफिल हैं अलग अलग स्पीशीज के। सबसे पहला ए है साइकस रेवोल्यूटा में मेगास्पोरोफिल कैसा होता है, फिर बी देखो साइकस पेक्टिनेटा में मेगास्पोरोफिल कैसा होता है, जो स्पोरोफिल है वो बड़ा है, राउंड सा हो गया है, एलोंगेटेड नहीं है ज़्यादा, और ओव्यूल थोड़े छोटे हो गए हैं। ऐसे ही सी है सर्सेनेलिस, उसमें स्टॉक लंबी हो गई है और जो स्पोरोफिल है, जो लीफी स्ट्रक्चर होता है पिनेटली कंपाउंड, वो काफ़ी नैरो हो गया है। ऐसे ही रम्फी है डी, उसमें भी नैरो स्ट्रक्चर है, पॉइंटेड है। ई है बेडोमी वाला, उसका मेगास्पोरोफिल है, और एफ है नॉर्मन बेना। ठीक है, तो ये अलग अलग जो स्पीशीज हैं साइकस की, उसमें अलग तरह का मेगास्पोरोफिल बनेगा, और ये उसकी एक आइडेंटिफाइंग फीचर भी है, स्पीशीज को आपस में डिफ्रेंशिएट भी करता है। अब बात आती है इसमें कैसे डेवलपमेंट होती है, इसमें भी डेवलपमेंट कैसे होगी। सबसे पहले तो वही है, एपिडर्मिस जो है वो वॉल इंटेग्यूमेंट्स बनाएगा बाहर की, और हाइपोडर्मिस जो है, सॉरी एपिडर्मिस से नीचे वाला जो सेल है हाइपोडर्मिस, वो आर्किस्पोरियल इनिशियल्स बनाएगा। आर्किस्पोरियल इनिशियल से आर्किस्पोरियल सेल बनेगा, आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, चार मेगास्पोर्स बनेंगे, मियोसिस होने से चार मेगास्पोर बनेंगे और हैप्लॉइड हो जाएगा जो स्ट्रक्चर है इसका, न्यूक्लियस है। अब इन चार मेगास्पोर्स में से तीन डीजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। एम्ब्रियोसैक सेल जो है, एम्ब्रियोसैक सेल फंक्शनल मेगास्पोर जो है, फंक्शनल मेगास्पोर है और वो बनाएगा आगे डेवलप होकर एम्ब्रियोसैक सेल। एम्ब्रियोसैक सेल जो है उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है बाद में डेवलप होगा एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म के अंदर ही कुछ सेल्स जो होंगे, जो कि माइक्रोपाइल की तरफ होंगे, वो आर्किगोनियल इनिशियल्स बनाएंगे। उन आर्किगोनियल इनिशियल्स से दो तरह के सेल्स बनेंगे, प्राइमरी नेक सेल एंड सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल तो नेक बनाएंगे, जिसमें नेक कैनाल सेल्स तो एब्सेंट होंगे, बस सिर्फ नेक सेल्स होंगे सिंपल, और दूसरा सेंट्रल सेल बनाएंगे। सेंट्रल सेल फिर से डिवाइड करेगा और दो तरह के सेल बनाएगा, बाहर की तरफ वेंट्रल कैनाल सेल और अंदर की तरफ सेंटर में एग न्यूक्लियस। वेंट्रल कैनाल सेल बाद में कुछ टाइम बाद डीजनरेट हो जाते हैं और एग न्यूक्लियस जो है वो एग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हो कि किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रही है। सबसे बाहर इंटेग्यूमेंट्स हैं, उसके बाद ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर की एक रिंग दिख रही होगी कंटिन्यूस, वो न्यू सेलेस है। सेंटर में वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल मेगास्पोर दिख रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो मेगास्पोर है फंक्शनल, तीन ऊपर वाले डीजनरेट हो जाएंगे जो माइक्रोपाइल की तरफ थे, चलेजा की तरफ जो थे वो फंक्शनल बनेगा। अब उसमें वो फंक्शनल बनेगा मतलब वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या आर्किगोनिया बनाएगा। ठीक है, उसमें डिवीजन होगी बहुत सारी, जैसे देख सकते हो सी स्टेप में वो भर फिल हो गया है सेल्स से बहुत सारे। उसमें सबसे ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होंगे वो आर्किगोनियल इनिशियल बनाएंगे, आर्किगोनियल इनिशियल से फिर नेक बन रही है, वेंट्रल कैनाल सेल बन रहा है, हर आर्किगोनिया से एक एग सेल बनेगा, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आर्किगोनिया जो है एग सेल के पास जो सेल हैं आर्किगोनिया के, वो कुछ ज़्यादा डिवाइड करेंगे और एक डिप्रेशन बनाएंगे, जिससे आर्किगोनियल चैम्बर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो था कि एग सेल कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये दो सेल्स
दिख रहे हैं छोटे से आर्किगोनिया के अंदर। ये आर्किगोनिया कहलाते हैं, ये किस में बन रहे हैं, आर्किगोनियम के अंदर बन रहे हैं और ये एक तरह से एक्सेल्स। अब बात आती है ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पर देख सकते हो हमने वर्टिकल सेक्शन कट किया है, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन है ये, VS है, TS या LS नहीं है। तो इसमें सबसे बाहर माइक्रोपाइलर एक बीक दिखाई देगी, इंटेग्यूमेंट्स होंगी ब्लू कलर की दिख रही हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट जो है आउटर सार्कोटेस्टा है, फिर ब्राउन कलर की मिडल स्क्लेरोटेस्टा है और उसके अंदर इनर सार्कोटेस्टा है, रेड कलर का वेस्कुलर सप्लाई है और उसके बाद उसके अंदर न्यू सेलस है, न्यू सेलस ब्लैक कलर से दिख रहा है और फिर है उसके अंदर थोड़ा स्पेस है आर्किगोनियम और न्यू सेलस के बीच में। न्यू सेलस जो है वो पेरेंट बॉडी से बनता है, ठीक है, और आर्किगोनियम या फीमेल जो उसमें एंडोस्पर्म बना है, एंडोस्पर्म के अंदर आर्किगोनियम बना है, आर्किगोनिया भी कह सकते हैं इसको, एग सेल्स भी कह सकते हैं, वो डेवलप होंगे ऊपर की तरफ जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट वहाँ पर माइक्रोपाइल है और नीचे की तरफ जहाँ से वेस्कुलर सप्लाई आ रही है वो चलेजल एंड होगा। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उनका फोटो दिख रहा है जिसमें कि एक सिंपल जो सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल है वो दिख रहा है, उसका जो टर्मिनल एंड है वो एपोफाइसिस है और उसके जो नीचे के पोर्शन है ये लोअर सरफेस है जहाँ पर बहुत सारे राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एग लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं या सोराए हैं। अपर सरफेस देख सकते हो सी फोटो में, वो स्मूथ है, क्लीन है। ये जो फोटो है इसमें माइक्रोस्पोरोफिल में डिहाइसेंस हो चुकी है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये लोअर सरफेस है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं बहुत सारे जो ओपन हो चुके हैं जिनमें से पोलन रिलीज हो चुका है, पॉलिनेशन इनमें से हो चुका है। अब पॉलिनेशन होने से क्या होता है, ओव्यूल जो है उसका जो माइक्रोपाइल था वहाँ पर एक ड्रॉप म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन बनती है, वो म्यूसिलेज सिक्रीशन जो है पोलन को अट्रैक्ट करती है और अपने अंदर अटैच कर लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है, फिर उसमें बाद में पोस्ट पॉलिनेशन जो डिवीजन होनी थी पोलन में वो होती हैं और मेल गैमेट्स बनते हैं और आगे चलकर फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो आई होप यहाँ तक जो समझ में आया हो आपको, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। और नेक्स्ट जो है हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।